नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हिंदी पट्टी में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो स्वयं कभी तमिलनाडु गए हों, लेकिन आपको ऐसे तमिलनाडु एक्सपर्ट बहुत मिल जाएंगे जो छूटते ही बता देंगे कि चेन्नई के ऑटो वाले हिंदी में पता नहीं बताते, इंग्लिश में भी नहीं बताते, बोलते हैं तो सिर्फ तमिल। ये अनुभव कितने लोगों को हुआ और कितने लोगों ने इसका ढिंढोरा पीटा, ये अलग से बहस का विषय हो सकता है, लेकिन लोग प्रायः ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि तमिलनाडु में हिंदी को कथित रूप से थोपे जाने का विरोध अरसे से होता रहा है। ये एक राजनीतिक और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ, पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। संभवतः इसीलिए जब तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले के वीडियो वायरल होने लगे तो लोगों ने इन्हें फेस वैल्यू पर लिया। सूबे में बिहारी मजदूरों पर हमलों की खबर चलने लगी, दोनों सूबों में बवाल हुआ और नतीजा निकला सिफर, क्योंकि जब जांच हुई तो मालूम चला कि हिंदी भाषी मजदूरों पर संगठित हमलों का कोई पैटर्न नहीं था। कहीं पुराने वीडियो को संदर्भ हटाकर वायरल किया जा रहा था तो कहीं निजी दुश्मनी में हुई हत्या को बिहारियों पर हमला करार दिया गया। तो अब सवाल ये बचता है कि तमिलनाडु में जो हुआ वो था क्या? दो बड़ी आशंकाएं, या तो तमिलनाडु में हो रहे टारगेटेड हमलों पर लीपापोती हो रही है, या फिर ये एक महीन ऑपरेशन था जिसमें एक साथ दो सूबों की सरकारों को निशाने पर लिया गया था। सच क्या है सामने आएगा लल्लन टॉप शो की बड़ी खबर में। दोहराव की कीमत पर हम कहना चाहेंगे इस मामले में क्रोनोलॉजी का महत्व बहुत ज्यादा है कि पहले क्या हुआ और क्या हुआ बाद में, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है कि हमले हुए तो कब और शिकार कौन था। ये शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 1 मार्च, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का जन्मदिन। इस मौके पर देश भर की कई पार्टियों के नेता स्टालिन को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इन नेताओं ने स्टालिन के साथ मंच साझा किया और भाषण भी दिए, जिसमें सभी ने यह कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। कार्यक्रम के फोटो में नजर आ रही केमिस्ट्री पर चर्चा भी हुई, जिसमें सभी नेता मंच पर हाथ पकड़े दिख रहे हैं। इसके अगले दिन यानी 2 मार्च को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें बीजेपी आरोप लगाती है कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहारी मजदूरों की हालत खराब है, और इसके बाद बीजेपी नेता कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों की वीडियोज ट्वीट करते हैं जिसमें तमिलनाडु से आए हुए कुछ मजदूर ये दावा कर रहे थे कि वहां उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा बिहार बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने कई वीडियो ट्वीट किए जिसमें इसी तरह के दावे थे। बीजेपी की ओर से पोस्ट किए गए इन वीडियोस के बाद बिहार के अखबारों ने भी इस मुद्दे को उठाया और बिहार सरकार से मजदूरों की स्थिति पर एक्शन की मांग की। ये सुनकर आपको लग सकता है कि जैसे सब कुछ अचानक हो गया हो, लेकिन तमिलनाडु के पत्रकार बताते हैं कि पिछले काफी वक्त से फेक वीडियो और न्यूज के जरिए प्रवासी मजदूरों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये मामला नेशनल मीडिया की नजर में तब आया जब कुछ दिनों पहले बिहार के पवन यादव की मौत की खबर तमिलनाडु में मजदूरों पर हो रहे हमलों से जोड़कर चलाई गई। खबर के पीछे का सच जानने बिना सोशल मीडिया पर इस मामले को हिंदी भाषियों पर अत्याचार बताया जाने लगा, जबकि ये मामला आपसी रंजिश का था। तिरुपुर के DCP अभिषेक गुप्ता ने 5 मार्च को पवन की मौत की वजह बताते हुए जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी ने अपने एक निजी कारण से किया। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत है जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल है। इस मर्डर को उपेंद्र धारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। इन वीडियोस को आप देखकर विश्वास ना करें। इनको शेयर करने वालों पर और हिंसा फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आपसी झगड़े में मारे गए पवन यादव की हत्या का आरोप झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी पर लगा है। उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फेक न्यूज का यह इकलौता मामला नहीं था। पवन की तरह बिहार के रहने वाले एक और श्रमिक मोनू दास की मौत की खबर को प्रवासियों पर जानलेवा हमले की तरह पेश किया गया, बाद में पता चला मामला आत्महत्या का है। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर ज्यादा बवाल हुआ था। इन बातों की और पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए हमने तमिलनाडु से चलने वाले रूस्टर न्यूज के संपादक राहुल वी से बात की। तो जो यहाँ के DCP हैं और यहाँ का पुलिस विभाग है, इसने काफी स्पष्ट कह दिया था कि ये दोनों ही हत्याओं से यहाँ के किसी भी लोकल आदमी का हाथ ही नहीं है।
ठीक है, और पिछले, ये आजकल की बात नहीं है, पिछले तकरीबन 6 से 7 महीने से हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस तरह की। मतलब ये अंदेशा था ही यहाँ के काफी सारे लोगों को कि यहाँ पे इस तरह के कोड पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी कहीं ना कहीं से। अगर आप देखें तमाम सोशल मीडिया पे एक जैसा पैटर्न, एक ही फॉर्मुलेटेड तरीके से, चाहे वो शब्दों का चुनाव हो या फिर वीडियोज हो या फिर खबरें हो, तब सब एक जैसे फैलाई गई। अब उनको कहीं ना कहीं से ये दिखाने की जरूरत थी कि हम किसकी मौत को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु में ऐसा कोई हमला हुआ नहीं, तो जो 2 मौतें हुई हैं यहाँ पर किसी ना किसी कारणवश, उनको इन लोगों ने हत्या का रंग दे दिया और उसको इन लोगों ने दिखाने की कोशिश कर दी। साफ पुलिस ने ये कहा है, एक तो आपसी रंजिश, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें एक इंसान ने दूसरे दूसरे को मार दिया, ठीक है, उसकी हत्या करी, आपस में जो झगड़ा होता है, ये तो शायद कहीं और भी हो सकता था ना, क्या पता ये लोग बिहार में होते और वहां पे झगड़ा होता, क्या वहां पे मौत को मौत नहीं देखते आप? पवन गुप्ता की मौत आपसी झगड़े की वजह से हुई है। जो दास है उनका आत्महत्या का केस है, ठीक है, तो उसको आप कैसे देखेंगे? उनको तो किसी ने जाके मारा नहीं, किसी ने जाके उनको लटकाया नहीं। राहुल ने हमें यह भी बताया कि वो इस मसले पर काफी वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक खास पैटर्न पर फेक वीडियो शेयर करके तमिलनाडु के बारे में गलत राय बनाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मारपीट के कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिन्हें हिंदी भाषी मजदूरों पर हो रहे हमले बताकर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रवासी श्रमिकों को लेकर चिंता जताने वाला ट्वीट भी इन्हीं वीडियोस के वायरल होने के बाद आया था, लेकिन कम ही लोगों ने ध्यान दिया कि तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने 2 मार्च को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और श्रमिकों पर हिंसक हमलों वाले वीडियोस को फर्जी करार दिया। इन बिहार हैज पोस्टेड ये फॉल्स एंड मिस्चीवियस वीडियो सेइंग दैट द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ बिहार आर अटैक्ड इन तमिलनाडु। 2 वीडियोस आर पोस्टेड in that, and both are false videos. These 2 incidents happened in earlier in time in Tirupur and in Coimbatore, and in both cases they are not clashed between the people of Tamil Nadu and the migrant workers. One is the clash between 2 groups of Bihari migrant workers. Another video is a clash between the local residents of Coimbatore. They are all Tamil Nadu people. When that is a fact, the facts are twisted to make it appear as if the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. तमिलनाडु के डीजीपी ने कह तो दिया था कि वीडियो फर्जी हैं, लेकिन हमले की खबर ऐसे समय आई थी जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, तो बहस को एक बढ़िया मंच मिल गया। विपक्ष में बैठी भाजपा ने मजदूरों पर कथित हमलों की खबरों को लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह हंगामा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने परिसर में पत्रकारों से कहा, बिहार के मजदूर तमिलनाडु में पीटे जा रहे हैं, लेकिन सदन में जवाब देने के लिए ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री और ना ही संसदीय कार्य मंत्री। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब बिहार के मजदूर तमिलनाडु में हमलों का शिकार हो रहे थे, तब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के जन्मदिन का केक खा रहे थे। दरअसल 1 मार्च को तेजस्वी स्टालिन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने चेन्नई गए थे। हमलों की खबरों के बीच इस दौरे की टाइमिंग को लेकर भी बवाल हुआ। अब तक कथित वीडियो खास तौर पर उन लोगों के बीच वायरल हो चुके थे जिनके परिजन तमिलनाडु में काम कर रहे थे। घर वालों ने अपने परिजनों से कहना शुरू किया, जान है तो जहान है, नौकरी तो कहीं और भी कर ली जाएगी। उधर तमिलनाडु में पहले प्रवासियों ने फैक्ट्रियों में जाना कम किया और फिर बड़ी संख्या में ट्रेन से बिहार लौटने लगे। कई लोगों को यूं भी होली के लिए घर आना ही था, सो दोनों कारणों के चलते बिहार के स्टेशनों पर तमिलनाडु से आने वाले मजदूरों की भीड़ नजर आने लगी। और इनसे जब पूछा जाता कि आप क्यों लौटे, तो सभी एक ही बात कहते, बिहारियों को मारकर भगाया जा रहा है इसलिए हम लौट रहे हैं। डर लगता है। क्या करते हैं वहाँ? हम लोग कारपेंटर काम करते हैं। अब जाएंगे कि नहीं दोबारा? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे? क्या हो रहा है वहाँ, क्या सुनिए? वही पूरा मार काट हो रहा है। अभी अब नहीं जाएंगे? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रिटू कुमार। सर, दूसरे जगह जाने में डर लगेगा? नहीं, अपना गांव समाज छोड़कर दूसरे गांव समाज में जाकर दूसरे जगह काम करेंगे तो डर लगेगा? नहीं, वहां पे मार काट चल रहा है, वो बिहारी भाई को पकड़ कर मार रहा है, लोग कुछ कर रहा है,
चाकू से मार दे रहा है। क्या सर? आप जाएंगे कि नहीं? जाएंगे सर, मामला शांत होगा तब जाएंगे, न तो नहीं जाएंगे। ऐसे में 3 मार्च को एक बार फिर विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाकर कहा अगर मामला गलत निकला तो वो सदन में माफी मांग लेंगे। इसके बाद बोलने खड़े हुए तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि बिहारी मजदूरों पर हमले की खबरों का संज्ञान लिया गया है और बिहार के अधिकारी तमिलनाडु में अपने समकक्षों से संपर्क में है। तमिलनाडु के डीजीपी ने एक बयान जारी करके कहा भी कि दोनों वीडियो पुराने हैं, अलग अलग जिलों से संबंधित हैं। एक वीडियो में बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और दूसरे में स्थानीय तमिल लोग आपस में झगड़ रहे हैं। फिर भी अगर भाजपा संतुष्ट नहीं तो उसे केंद्रीय गृह मंत्री से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो अपनी एक टीम तमिलनाडु भेज दे। तेजस्वी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। यहां तक आते आते नीतीश कुमार समझ गए थे कि खबर मंगवा भर लेने से काम नहीं चलेगा, तो 3 मार्च को ही बिहार शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने का फैसला किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस टीम में 2 ऐसे पुलिस अधिकारी भी भेजे गए जो मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे ताकि भाष्य का अड़चन न आए। 4 मार्च को यह टीम तमिलनाडु पहुंची और चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से मिली। अगले दिन यह टीम तिरुपुर जिले की औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों से भी मिली और इंतजामों को लेकर संतोष जताया। अब तक हमने बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक की खबर आपको बताई, अब रुक करते हैं तमिलनाडु का। यहां भी बिहार वाली ही स्थिति है, केंद्र में शासन करने वाली भाजपा विपक्ष में और सरकार चला रहा है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके, उसके नेतृत्व का गठबंधन। स्टालिन सरकार शुरुआत से कह रही थी कि हमलों की खबर फर्जी है, माने वही स्टैंड जिसे बिहार सरकार दोहरा रही थी, लेकिन यहां विपक्ष में बैठी भाजपा का सुर अपनी ही पार्टी की बिहार इकाई से कुछ अलग था। 4 मार्च को तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अंग्रेजी में एक ट्विटर थ्रेड लिखा जिसका भावानुवाद हम आपको बता देते हैं। वो लिखते हैं, तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमलों को लेकर फैल रही फेक न्यूज से दुख होता है। तमिल लोग उत्तर भारतीयों पर हमलों का समर्थन नहीं करते, वो सूबे के विकास में प्रवासी मजदूरों के योगदान का स्वागत करते हैं, लेकिन डीएमके नेताओं ने प्रवासियों को लेकर भद्दी टिप्पणियां की हैं। डीएमके मंत्रियों ने उन्हें पानीपुरी वाला बुलाया और डीएमके गठबंधन में सहयोगियों ने प्रवासियों को वापस भेजने की बातें की हैं। डीएमके ने जो बोया वही काट रही है और अब स्थिति में सुधार करना उसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब अन्नामलाई हमलों की वीडियो को तो फेक बता रहे थे, लेकिन डीएमके सरकार पर यह आरोप भी लगा रहे थे कि उसने उत्तर भारत से आए प्रवासियों के खिलाफ माहौल बनाया है। फिर 5 मार्च को खबर आई कि तमिलनाडु पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है। आरोप, 2 समुदायों में वैमनस्य फैलाना। इसी रोज अन्नामलाई ने फिर एक ट्वीट किया। तमिलनाडु में किए गए इस ट्वीट में, तमिल भाषा में किए इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर अडिग हैं और फर्जी मामले दर्ज कर लोकतंत्र की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मैं 24 घंटे देता हूं, हिम्मत है तो मुझ पर हाथ डालकर दिखाइए। वैसे तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई की जद में सिर्फ अन्नामलाई नहीं आए, भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव और कम से कम 2 पत्रकारों पर भी फेक न्यूज फैलाने को लेकर मामले दर्ज हुए हैं। इसमें से 1 दैनिक भास्कर अखबार में काम करते हैं और दूसरे तनवीर पोस्ट नामक ट्विटर हैंडल चलाते हैं। पुलिस के रडार पर बिहार भाजपा का ट्विटर अकाउंट भी है जिस पर कथित हमलों के वीडियो शेयर किए गए थे। तमिलनाडु पुलिस की तरह ही बिहार पुलिस ने भी ऐसे वीडियो को भ्रामक बताया है। आज ADG बिहार जितेंद्र गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वायरल हो रहे वीडियो की जांच स्पेशल टीम कर रही है और मामले में 4 FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। अब जब 2 सूबों की पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है तो वायरल हुए वीडियो की खबर भी ले लेनी चाहिए। 2 हत्याओं का सच हमने आपको कुछ देर पहले बता दिया था, लेकिन वीडियो तो कई थे। हमने राहुल भी से पूछा कि वो वीडियो कहाँ के थे, उनका संबंध किन घटनाओं से था और उन वीडियो को अफवाहों की शक्ल में ढालकर शेयर करना कैसे शुरू किया गया, सुनिए। वीडियोस चेन्नई, तमिलनाडु, कई और ऐसी जगहों के ही हैं, लेकिन इसके पीछे के जो तथ्य है वो किस तरह से प्रेजेंट किए गए, किस तरह से ट्विस्ट करके प्रेजेंट करे गए, वो यहाँ पे सोचने की बात है, देखने की बात है। जैसे कि बिहार से जो मजदूर आते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आते हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो एक साथ 20-20, 30-30, 50-50 मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए तमिलनाडु पहुंचते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर इनके सही तरीके से रिजर्वेशन नहीं करता, पैसा बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, बिहार से चेन्नई उतरे, चेन्नई से अगर उसको मान लीजिए 400 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, कारीकुड़ी जाना है, पुदुकोटे जाना है, तो उसी दिन उसी वक्त कितने आदमी है, 50 आदमी है। ठीक है, ओपन टिकट ले दो। ठीक है, आप ओपन टिकट लेने के बाद वो क्या करता है, चढ़ा देता है। अब पहली बात, जो मजदूर वहां से इतनी दूर आते हैं उनको जुबान की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज भी आती है। दूसरा, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर ने जिस भी ट्रेन में चढ़ा दिया उस चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद उनको ये समझ में आता है कि हम तो रिजर्वेशन वाले बोगी में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आदमी जिसने महीने भर पहले 15 दिन पहले टिकट बुक करी है, रिजर्वेशन वाली टिकट है, उसमें जाके वो कहता है यार ये मेरी सीट है आप खाली कर दीजिए,
उनको समझ नहीं आता ये बोल क्या रहा है, क्योंकि तमिल में बोल रहा होता है, अंग्रेजी में भी बोले तो भी उनको समझ में नहीं आता है, तो ये बात बिगड़ जाती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो ना झगड़ा करने लगते हैं। तो यहाँ पे आदमी बोलता है मैंने तो रिजर्वेशन वाली टिकट है, मेरे को जगह खाली करो, वो बोलता है नहीं मेरे बाबू ने मुझे बिठाया, मैं तो खाली नहीं करूंगा। ऐसे ही कई वीडियोज हैं, अगर आप हर वीडियो के तथ्यों को जाके देखें तो जो विवाद हुए छोटे छोटे वो इस तरह से हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बोलें कि सड़क पे चलते राह चलते किसी को मार दिया पीट दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कोयम्बतूर का वीडियो, दो नॉर्थ इंडियन गुट के बीच में हुआ हुआ वीडियो है, इसको जो यहाँ के DSP हैं शैलेंद्र बाबू, उन्होंने क्लियर किया इस चीज को कि ये जो झगड़ा हो रहा है, अगर वो वीडियो आप दोबारा से देखें, वीडियो में लैंग्वेज जो आ रही है वो भी हिंदी में बोल रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस तरह के गुमराह करने वाले वीडियो घरों से मीलों दूर मेहनत कर रहे मजदूरों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। रही बात तमिलनाडु की, तो पहले उन श्रमिकों को सुनिए जो वहां रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा शासन व्यवस्था है सर, ऐसे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ से और कहीं पे हो रहा है यहाँ पे तो अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं मैं बोला यहाँ तो अभी ठीक ठाक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा जी सर, वहाँ से फोन किया था, बोला यहाँ पे सब तो वहाँ से करते रहता है, वो लोग फोन करते हैं कि उधर से बोलता है 15-20 दिन में भगाएगा हिंदी वाले को, कहेगा जब भगाएगा तो गाड़ी फ्री करेगा चले जाएंगे। कर रहे हैं हमला, देखते हैं सर तो नहीं देखेंगे सर, नेट पर जो देखते हैं तिरुपुर कोयम्बतूर उसके बाद चेन्नई, ये तीन जगह पर सर दिखाई देता है। श्रमिकों से ये बातचीत रूस्टर न्यूज की रिपोर्ट का एक हिस्सा था, जिसमें किसी भी श्रमिक ने तमिलनाडु में अपने ऊपर किसी भी तरह की जाति या अत्याचार की बात नहीं कबूली। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले के वीडियो को दो सूबों के पुलिस अधिकारियों ने गलत बताया। संज्ञान में यह भी लिया जाना चाहिए कि कई नामी फैक्ट चेकर्स भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर पुलिस पहुंची। इतना ही नहीं, कई समाचार संस्थानों ने अपनी खबरें डिलीट की और कुछ ने स्पष्टीकरण जारी किए। अब तक ऐसी किसी खबर की जानकारी नहीं है जिसमें तथ्यपरक ढंग से तमिलनाडु पुलिस के पक्ष को चुनौती दी गई हो। किसी एक मामले में तथ्यों की सटीक जानकारी न होना समझ आता है, लेकिन जब संगठित तरीके से वीडियो वायरल किए जाएं तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जो तमिलनाडु में हुआ वो कल कहीं भी हो सकता है। राजनीतिक मकसद से फैलाई गई फेक न्यूज के चलते कैसी तबाही आ सकती है इसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तमिलनाडु और बिहार से आए उदाहरण सिर्फ एक छोटी वानगी भर है। फैसला आपको करना है, आंख मूंद कर यकीन करना है, भीड़ का हिस्सा बनना है, अफवाह के प्रचार तंत्र का वाहक बनना है, या फिर अपनी मेधा अपनी प्रज्ञा अपनी सोच समझ से काम लेना है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभरात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।